नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बुलियन मार्केट में हमने काफी बड़ी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी, बट एक रेंज में था। गोल्ड में जहां हमने 52,000 से 50,500 का दायरा देखा, वहीं चांदी के अंदर हमने 67,000 से लेकर 63,000 तक का रेंज सितंबर वायदे में बनते हुए देखा। ओवरऑल 1% की गिरावट थी, जिस ढंग से यूएस और चाइना के बीच में तनाव है और साथ में यूएस के अंदर जो पॉलिसी चेंजेस हो रही थी, जिसके चलते मार्केट में मोमेंटम बना था। क्रूड एक रेंज में है, 3100 से लेकर 3250 के दायरे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इन्वेंट्री का सपोर्ट और साथ में वेदर कंडीशन के सपोर्ट की वजह से 7% की तेजी हमने आते हुए देखी। वहीं बेस मेटल में मिला जुला पॉजिटिव असर था, आयरन और स्टेनलेस स्टील की डिमांड के चलते। निकल के प्राइजेस में तो हमने एक अच्छा उछाल देखा, बट लेड में हमने गिरावट आते हुए देखी। ओवरऑल बेस मेटल साइडवे टू पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम सोने चांदी की बात करते हैं तो M6 बुलटेक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। M6 बुलटेक्स में पिछले हफ्ते हमने काफी बड़ी वॉलिटिलिटी देखी, जो 15,800 से लेकर 16,400 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से डॉलर की गिरावट के चलते हमने देखा कि सोने और चांदी में तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी और बुलटेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। आज के सेशन में 16,235 के ऊपर होल्ड करने पे हमें M6 बुलटेक्स लेके चलना चाहिए, जो 16,450 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम ओवरऑल आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो सोने चांदी में लेके चलिए, सोना 52,000 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि चांदी दिसंबर वायदा 70,000 का लेवल तोड़ के 72,500 तक का लेवल दिखा सकती है। क्रूड रेंज बाउंड रहेगा, बट 30-20 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। नेचुरल गैस 190 से 195 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बेस मेटल में दिन में तेजी का रुख रह सकता है, जो 527-28 तक का लेवल। कॉपर में जिंक 198 तक का लेवल। निकल में ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखा सकता है, जो 1145 से 1150 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो प्राइसेस 147 तक का लेवल देख सकते हैं। लेड एज कम्पेयर टू अदर बेस मेटल थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट 155 का लेवल तोड़ने पे हम 157 तक के लेवल देख पाएंगे। LME पे आज थिंग्स आर बीन स्लाइटली पॉजिटिव, बट LME थोड़ा डाउन दिखा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट हम प्राइजेस पे पाते हुए देखेंगे। डॉलर इंडेक्स अभी भी 90-50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते सोने और चांदी में तेजी का रुख रहेगा। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस अब 2000 तक का लेवल दिखा सकते हैं, क्योंकि 1970 के ऊपर होल्ड है। वहीं चांदी $29.5 तक का लेवल देख सकते हैं। WTI क्रूड ऑयल भी 44-44 तक का लेवल दिखा सकता है। ट्रेडिंग डेटा पॉइंट की बात करें तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा ठीक आए हैं, 51 के ऊपर है, जिसके चलते बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। US से आज कोई मेजर डेटा नहीं है, खाली FOMC मेंबर की स्पीच है, जबकि यूरो से भी साइडवे डेटा रहने की उम्मीद है। चार्टिकली बुलटेक्स तेजी का रुख दिखा रहा है, जो अपसाइड में करीबन 16,700 तक का लेवल दिखा सकता है। मेटल डेस्क जो बेस मेटल का इंडेक्स है, इनमें भी तेजी दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।